निटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, निटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये जाली वाला पैटर्न लेकर आई हूं फ्रेंड्स। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं, 2 मल्टीपल + 2 एज फंदे। बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट रो बना रहे हैं। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को मैं सीधा बना रही हूँ। आप इस फंदे को निकाल भी सकते हैं। फर्स्ट रो बनाएंगे, राइट साइड से सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आपने सभी फंदे सीधे बनाने हैं फर्स्ट रो में। इस रो को मैं सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए, फर्स्ट रो में सीधा बनाकर इसे हमने कंप्लीट किया। अब बनाएंगे सेकेंड रो रॉन्ग साइड से। ये हमारा एज फंदा है, इसे यहाँ पर उल्टा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सीधा बनाया राइट साइड में। सेकेंड रो में सभी फंदे आपने उल्टे ही बनाने हैं। फर्स्ट रो में सीधा, सेकेंड रो में उल्टे फंदे बनाकर इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब बनाएंगे राइट साइड से थर्ड रो। थर्ड रो में ये हमारा एज फंदा है, इसको मैंने सीधा बनाया। एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे। ये आप इस फंदे को निकाल भी सकते हैं, उसके बाद एक फंदा आप सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए, आप एक फंदे में इस तरीके से लेंगे धागे और इसको ऐसे करेंगे, धागे को घुमाएंगे। इसी फंदे में से एक फंदा हम और बनाएंगे, ये देखिए इस तरह, और इसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, बीच में से ऐसे लेंगे, सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, एक फंदा और सीधा बनाएंगे। एक में से हमने कितने फंदे बनाए? 3, 1, 2 और 3 फंदे बनाए। अब फिर सीधा बनाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, सीधा, धागे को घुमाएंगे, इसी में से एक फंदा सीधा। आपने इसको ना ज़्यादा लूज़ रखना, ना ही ज़्यादा टाइट रखना। ये देखिए, इस तरीके से आपका ये फंदा आना चाहिए। अब हम एक फंदा फिर सीधा बना लेंगे, बीच में से लेंगे, धागे को घुमाएंगे और सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, बीच में से लेंगे, धागे को घुमाना है और सीधा। एक फंदा फिर सीधा, बीच में से धागे को घुमाएंगे अब, और एक फंदा सीधा। एक फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने बीच में से ऐसे लेना है और यहाँ से सीधा। देखो मैंने कितना लूज़ किया इसको, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़। फिर धागे को हम घुमाएंगे, एक फंदा इस तरीके से, और इसको ऐसे कर देंगे। देखिए, फिर एक फंदा और सीधा, रिपीट करेंगे, धागे को घुमाएंगे और फिर सीधा। थर्ड रो में हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं उल्टा बना रही हूँ। अब ये देखिए, आप दो फंदे हम लेंगे, दो फंदों को एक साथ 2 का 1 बनाएंगे। फिर ये देखिए, 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1। ये देखिए, 2 फंदे 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, नॉर्मल जो हमने सीधे बनाए थे, 2 फंदे हमारे ये वाले हैं और 1 फंदा हमने घुमाया था, ये वो वाला फंदा है, और ये 1 फंदा ये। तो 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, 2 नॉर्मल ये हमारे सीधे फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बनाया। अब ये देखिए, जो फंदा हमने घुमाया था, 1 फंदा ये और 1 ये, इनको हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपके फंदे आने चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे 2, फिर यहाँ पर ये फंदा ऐसे आएगा लूज़ वाला, जहाँ पर हमने धागा घुमाया था, ये वो फंदा और 1 फंदा ये। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
फोर्थ रो में सभी फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं, दो फंदों का एक बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड से। राइट साइड से फिफ्थ रो, ये देखिए फिफ्थ रो में आपका कुछ डिज़ाइन इस तरीके से आपको दिखाई देगा तब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। ये देखिए फोर्थ रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से, फिफ्थ रो में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे, इसमें फिफ्थ रो कैसे बनाएंगे ये देखिए, ये हमारा एज फंदा, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से डिज़ाइन दिखाई देगा, ये टू पेयर में, ये टू पेयर में, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है ये देखिए, धागे को हम आगे करेंगे, इस फंदे को हमने बिना बुने ऐसे उतारना है और दूसरे फंदे को हमने इसको सीधा बना लेना है, ये देखिए। और जो बिना बुने हमने फंदा लिया था इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकालना है, धागे को आगे करेंगे, एक फंदे को हम उतारेंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये हमने फंदा उतारा था, इस फंदे को हमने इसके ऊपर से अब ऐसे उतारना है, फिर रिपीट करेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये बिना बुने उतारा था हमने, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। अब हमारी यहाँ पर जाली बनेगी, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदे को आपने उतारना है और दूसरे फंदे को सीधा बनाना है, इसको इसके ऊपर से निकाल देना है। धागे को आगे करेंगे, एक फंदा ऊपर से ऐसे बनाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे निकालना है। धागे को आगे करेंगे, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बना लेंगे, बिना बुने फंदे को इसके ऊपर से निकालना है, फिर रिपीट करेंगे, धागे को आपने हर बार आगे करना है तभी हमारी जाली बनेगी। इस फंदे को उतारेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाना है, बिना बुने को ऊपर से निकाल देना है। ये देखिए फिफ्थ रो में हमने इसी तरीके से रिपीट करना है। देखिए फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो। ये हमारा एच फंदा है, उल्टा बनाएंगे इसको, ये देखिए अब इस फंदे को भी उल्टा बनाना है। ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको आपने इस तरीके से उल्टा बनाना है, ये देखिए उल्टा बनेगा, फिर ये जाली वाला फंदा हमारा इस तरीके से उल्टा बनेगा। सभी फंदे आपने उल्टे बनाकर इस रो को आपने कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो है ये हमारी, ये देखिए जाली वाले फंदे को भी आपने ऐसे ही उल्टा बनाना है, इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने फर्स्ट रो से लेकर सिक्स्थ रो तक इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे और आपका फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ईजी डिज़ाइन। और ये देखिए देखने में कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और ये रॉन्ग साइड इसका। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।